जय हिंद स्टूडेंट्स, नाउ आई विल टीच यू सेकेंड पार्ट ऑफ चैप्टर 3, वेरिड क्लाइमेट. लेट्स स्टार्ट इट. आवर हेडिंग इज डिस्टेंस फ्रॉम द सी. प्लेसेस क्लोज टू द सी हैव अ मॉडरेट क्लाइमेट. दिस मीन्स जो प्लेसेस सी के पास होती हैं वह थोड़े नमी वाले होते हैं, न कि ज़्यादा गर्म होते हैं और न ही ज़्यादा ठंड. और जस्ट इसके अपोजिट आप देख सकते हैं कि डेट प्लेसेस फार अवे फ्रॉम द सी जनरली हैव एन एक्सट्रीम क्लाइमेट. फॉर एग्जांपल, मुंबई की क्लाइमेट नरम होती है, लाइक मॉडरेट टाइप, और दिल्ली की क्लाइमेट गर्म होती है बिकॉज मुंबई इज लोकेटेड नियर द सी कोस्ट while Delhi is far away from the sea. Our next heading is direction of the winds. If the winds blows from a warm place, it will be hot. But it blows from a cold place, it will be cool. आप इस पिक्चर को देखकर समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है. The wind blowing from the sea towards the land is called sea breeze. So, sea की ऊपर की जो air है जब वो blow करती है land की तरफ, that is sea breeze. Okay? अब क्या होता है process? You can say it. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो coastal areas होते हैं वो क्या होता है कि वहाँ ocean भी होती है और land भी होता है. तो जब दिन होती है, सी ब्रीज ब्लोज इन द मॉर्निंग, दिन में गर्म होती है, सन से हमें गर्मी मिलती है. ओशन तब उस टाइम ठंडा रहता है क्योंकि वो वाटर है. लेकिन अगर हम लैंड की बात करें तो वह इसके ओशन के मुकाबले में गर्म होता है. आप देख सकते हैं कि अगर आप किसी मेटल के बर्तन में आप वाटर रखिए तो वाटर पहले गर्म होगा कि मेटल का बर्तन गर्म होगा? सबसे पहले बर्तन गर्म होगा उस वाटर के मुकाबले में. तो इसी तरह यहाँ भी फिर लैंड उसके मुकाबले में ज़्यादा गर्म होता है. तो लैंड से जो गर्म हवा निकलती है तो उससे हमारा ऊपर का जो एटमॉस्फेयर होता है वो भी गर्म होता है. लेकिन जो ओशन है, ओशन के जो ऊपर का जो एयर होता है वो तो ठंडा होता है ना. तो जब ये वार्म एयर डिसेंडिंग कूल एयर में तब ये चेंज होता है, उस एटमॉस्फेयर में मिलके वो कूल हो जाता है. तो जो कोस्टल में कोस्टल एरिया के जो होते हैं वहाँ पे क्षेत्र, वो क्या होते हैं? वो ठंडे होते हैं. वो दिन में भी ज़्यादा गर्म नहीं होते हैं. तो ये प्रोसेस है कि मॉर्निंग में किस तरह सी ब्रीज होता है. लैंड ब्रीज क्या होता है? द विंड ब्लोइंग फ्रॉम द लैंड टुवर्ड्स द सी इज कॉल्ड लैंड ब्रीज. मीन्स जो सी ब्रीज का अपोजिट लैंड ब्रीज है. इसमें लैंड से एयर फ्लो होती है कहाँ पर? सी पर. आप देख सकते हैं लैंड ब्रीज ब्लोज इन द इवनिंग. अब जो सन है उसकी जो रेडिएशन थी तो वो दोनों पे पड़ रही थी, ओशन और लैंड पे. तो मॉर्निंग में क्या होता था कि लैंड जो है वो जल्दी गर्म हो जाता था ओशन के मुकाबले. लेकिन इवनिंग में क्या होता है कि लैंड जो है उसके अपोजिट जल्दी ठंड होता है ओशन के मुकाबले में. यानी कि तब क्या होता है, ओशन से जो वार्म एयर निकलती है तो वो डिसेंड हो जाती है कूल एयर में, क्योंकि लैंड की जो ऊपर की एयर है वो तो कूल है, लैंड जल्दी ठंडा हो चुका है. तो इसी को हम लैंड ब्रीज कहते हैं. सो ये डिफरेंस है लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज में. आवर नेक्स्ट हेडिंग इज ह्यूमिडिटी एंड रेन्स. Can you tell me what is humidity? Okay, the amount of moisture present in the air is called humidity. Means जो moisture या नमी हवा में उपस्थित होती है उसे हम humidity कहते हैं. Our next heading is ocean currents. There are warm and cold currents in the seas and oceans. They mostly affect the climate in the coastal areas. ये कोस्टल एरियाज़ को ज़्यादा इफेक्ट करते हैं. व्हेन यूस्टर्न यूरोप इज़ एक्सपीरियंसिंग द फ्रीजिंग टेम्परेचर, वार्म वाटर्स ऑफ द गल्फ
स्ट्रीम ब्रिंग अ लॉट ऑफ रिलीफ टू द पीपल। जब वेस्टर्न यूरोप के लोग, वहाँ के लोग फ्रीजिंग एक्सपीरियंस करते हैं वहाँ के टेम्परेचर में, तब वहाँ की जो वार्म वाटर्स होती हैं वो वहाँ के लोगों को आराम देती हैं। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस डिटरमाइंस द वे ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। वहाँ की क्लाइमेट वहाँ के लोगों पर निर्भर करती है कि वहाँ के लोग किस वे में अपनी लाइफ को सर्वाइव कर रहे हैं। द विजिटेशन एनिमल लाइफ क्रॉप्स ग्रोन देयर ड्रेसेस ऑफ द पीपल एंड देयर ऑक्यूपेशंस आर ऑल डिपेंडेंट ऑन द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। सो आवर चैप्टर एंड्स हियर। जय हिंद स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत।